गुरुवार को जिला महिला अस्पताल में NHRM के महाप्रबंधक डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा और कंसल्टेंट राकेश वर्मा ने निरीक्षण किया। उसके साथ प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज आनंद, क्वालिटी मैनेजर डॉक्टर कमलेश, जिला क्वालिटी कंसल्टेंट डॉक्टर मुस्तफा खान मौजूद रहे। प्रमुख महाप्रबंधक डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने जिला महिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड वार्ड, लेबर रूम, ANC के सभी वार्डों, न्यूबॉर्न इंटेबलाइजेशन यूनिट सहित पूरे जिला महिला अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ सभी वार्डों के महिला शौचालय की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं से मुलाकात कर अस्पताल में साफ सफाई, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और जागरूकता से संबंधित प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानकारी भी लिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख महाप्रबंधक डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने कहा, और उसके लिए जो है ये शर्त नहीं है, आप लीबिया में अपने जीत को बताया उसको, आप जेसवाई में मांग लिया वो नहीं है, ठंडा पानी है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो 19 साल का नहीं क्या पे चुके हैं और आपको भी लगेगा जी होता है तो एक बिल्डिंग होती है, दूसरा हमारा एक तो काफी हो तो हम उस तरह से बिल्डिंग लगाए कर सकते हैं। वो ग्रुप देखे पड़े Thank you.
सर के आने के बाद इतना सब परिवर्तन हुआ है पहले दोनों लेवल में भी सर पहले आप जा रही बच्चा दूध दे रहा है खाना बच्चा यहाँ से आज सुबह क्या मिला ट्रैफिक भी लगाया होगा तो ट्रैफिक 24 आवर्स दूसरे दिन का मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसके अगले दिन या एक दिन और बाद दूसरा दिन हुआ था दूसरे दिन लगाया तुम्हारे बच्चे कब लगा दूसरे दिन लगाया सात आठ दिन से बैठे चाहूँगी आपको या इनको और कुछ समझा में आया था अगला बच्चा कब होना चाहिए या इसके लिए क्या करना चाहिए कोई इसके लिए बात करना है प्रॉपर्टी वगैरह के लिए कुछ बोल रहा है था आपको कोई समझाने सर मारे के बच्चे जा रहा था 800 ग्राम का वो है जुड़वा और यहाँ से ले जाए इसी तरह लोग तो पहले दिन से पीड़ित लगा था या शुरुआत पर था तो क्या दूध पीने के लिए लगाया गया पी पाया दोनों दूध पिया गया रिसर्च किया है सर क्या कमी है सर जो कमियाँ बताना है अच्छा सर जो भी है सर आप बताइए सर देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत बढ़िया लगी यहाँ पे पिछली बार भी पिछले साल में कुछ रिपोर्ट थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी और इस तरह की कमियाँ पाई गई थी लेकिन उस हिसाब से मैं देखूँगा तो यहाँ पे काफ़ी साफ सुथरा और काफ़ी काम हुआ है कुछ महीनों में लेकिन कुछ दो तीन चीज़ें मिली हैं जिसमें हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है तो एक तो कुछ यहाँ पे शायद सीवेज की प्रॉब्लम है तो टॉयलेट्स जो है हमारे जो JSY वार्ड से लगे हुए बाथरूम टॉयलेट्स उनमें थोड़ा सा ठीक ठाक करने की जरूरत है समस्याएँ हैं दूसरा अभी ये देखने को मिला है कि जो बच्चों का जन्म हो रहा है अस्पताल के अंदर उनको कुछ जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर जो टीके लगने चाहिए बर्थ डोज या जीरो डोज वो कुछ को लग रहा है कुछ को नहीं लग रहा है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है तो मेरा यही अनुरोध था निर्देश था कि सभी बच्चों को जो बर्थ डोज होती है हेपेटाइटिस बी की BCG की होगी भी जरूर लगा दी जाए और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड भी कर लिया जाए देख रहा था कि यहाँ पे चूँकि महिला अस्पताल है और काफ़ी पेशेंट्स का आना जाना है
तो कई तरह के काउंसलर्स भी नियुक्त किए गए हैं। एक जैसे एच आई वी काउंसलर है, वो उसका अलग पर्पस है। एक फैमिली प्लानिंग काउंसलर है, जिसका काम यही है कि जो एनसी या पीएनसी कैसे जा रहे हैं उनको बताएं कि गर्भ निरोधक के बारे में कैसे वो बच्चे आगे होने से रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं, है ना, स्पेसिंग कर सकते हैं। तो वो अपना काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अधिकतर मैंने पाया कि अधिकतर जो महिलाएं यहाँ पे एडमिट हैं डिलीवरी के बाद या सीजरियन के बाद, उनको कॉन्टैक्ट किया गया है और सलाह दी गई है PPIUCD लगाने के लिए या कोई और तरीका अपनाने के लिए। तो अच्छा तरीका, मैं डॉक्टर साहब ने जो मेहनत की है पिछले कुछ महीनों में, इसकी भी तारीफ करता हूँ और साथ में ये भी अनुरोध करता हूँ कि जो कमियाँ है रह गई है उसको भी पूरा करता हूँ। धन का अभाव भी कुछ है यहाँ पे जिसकी वजह से काम रुका हुआ है, ऐसा कुछ भी है? डॉक्टर साहब ने जैसा बताया सिविल वर्क कुछ निर्माण कार्य से संबंधित हैं यहाँ पे जी, उसके लिए शायद अभी इमिडिएटली धन का अभाव बता रहे हैं। हालांकि अभाव होना नहीं चाहिए क्योंकि इस साल का जो बजट का अप्रूवल आएगा तो उसके बाद काफ़ी पैसे उसमें रहते हैं, तो सभी सिविल वर्क उसमें कराए जा सकते हैं। तो ये अगर अभाव है तो ये हो सकता है एक दो हफ्ते की हो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।